तो JEE 2019 का अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है. इसमें कहा गया है द पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ अ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ग्राउंड लेवल. है ना, मतलब ये है कि एक आदमी खड़ा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर, तो जेट प्लेन से साउंड उसको आता हुआ सुनाई देता है. साउंड जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है. ठीक, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन. वो देखता है कि साउंड तो 60 डिग्री के एंगल पर आ रहा है लेकिन जो एरोप्लेन है वो उसके जस्ट ऊपर है. इसका मतलब यह है कि जो साउंड इसके पास पहुंचा है वो साउंड इस एरोप्लेन ने तब इमिट किया होगा जब ये एरोप्लेन इधर कहीं होगा. है ना, ऐसे कहीं ये कहीं होगा, ये ऐसे चल रहा है. ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हो गया और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इधर है. है ना, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा. है ना, तो पूछा क्या गया है, इफ वी इज द स्पीड ऑफ साउंड देन स्पीड ऑफ द प्लेन इज, ये ऑप्शन दिए गए हैं. तो साउंड का स्पीड वी दिया गया है, प्लेन का स्पीड हमें फाइंड करना है. ठीक, तो देखेंगे कि ये जो है एरोप्लेन जस्ट उसके ऊपर है. है ना, तो इसमें ये कर सकते हैं कि जितनी देर में ये एरोप्लेन यहां से यहां आया होगा उतनी देर में साउंड जो है यहां से यहां आया है. दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हुआ है ना, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ है, तो दोनों की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए. तो एरोप्लेन को तो हमने हॉरिजॉन्टल ही देखा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है एरोप्लेन की वेलोसिटी वीपी और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वी कॉस 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल होना चाहिए. तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में वी बाई टू होना चाहिए. है ना, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.